हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। आप कैसे हो सब? आपको सबको पता है कि दोबारा से कोरोना फैल रहा है, तो इसलिए अब से आपकी ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। अगर भगवान ने चाहा तो स्कूल जल्द ही आपके खुलेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको ऑनलाइन क्लास देंगे। इसमें आपको डेली PDF और वीडियो दोनों सेंड की जाएंगी, इसलिए सभी बच्चे इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ लर्न करेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखकर उसे समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हिंदी सेकंड में हिंदी ग्रामर की कॉपी में आपको मैंने जब स्कूल खुले हुए थे तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखवाए थे, समझाए भी थे, लेकिन आज मैं आपको दोबारा वीडियो के माध्यम से दोबारा समझा रही हूँ। देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग वे होते हैं जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग वे होते हैं जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे कि मैं ओ से आ, मोसा, मैं ओ से आ, इसमें आ गया आपका मोसा। ओके, तो देखिए मोसा यानी कि मोसा का क्या होगा? मोसा का होगा मोसी। मैं ओ से ई, मोसी। ओके, बच्चा, बच्चा का हम कैसे लिखेंगे? बच्चा का हम लिखेंगे बच्ची। बच्चा यानी कि लड़का हो गया और बच्ची यानी कि लड़की। ताऊ, ताऊ का होता है ताई। ताई कैसे लिखेंगे? ते आ ई, ताई। बेटा, बेटा का होगा बेटी। बेटा का बेटी। बे ए टे ई, बेटी। पोता, पोता का पोती। पे ओ ते ई, पोती। घोड़ा, घोड़ा का होगा हमारा घे ओ रे ई, घोड़ी। बकरा, बकरा का बे के रा ई, बकरी। बे के रे ई, बकरी। छात्र, छात्र का होगा हमारा छात्रा। क्या होगा? छात्रा। मुर्गा, मुर्गा का होगा मुर्गी। मैं ऊ रे गे ई, मुर्गी। बैल, बैल का होता है हमारा गाय। क्या होता है? गाय। आपको ऐसे सारा लिखना है। चलिए एक बार रिपीट दोबारा करवा रही हूँ, देखिए स्टार्ट से। देखिए मौसा का मौसी, बच्चा बच्ची, ताऊ ताई, बेटा बेटी, पोता पोती, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, छात्र छात्रा, मुर्गा मुर्गी, बैल गाय। ओके, इसमें आपको मेन मात्राओं का ध्यान रखना है। जैसे कि हमें लिखना है मौसी, तो मौसी कैसे लिखेंगे? मैं औ की मात्रा और से ई, ये हो गई हमारी मौसी। तो आपको इसमें मात्राओं का ध्यान रखना है। लास्ट में हमारी बड़ी ई की मात्रा ही इसमें आनी चाहिए, इसमें बड़ी ई की मात्रा ही आएगी। जैसे ताऊ है, तो ताऊ का क्या होगा? ताई। तो ताई में हमारी बड़ी ई आ गया, तो इसमें बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, इसमें केवल ई आएगा। ओके, बच्चा है तो इसका हो गया बच्ची। बे अध चे चे ई, बच्ची। ओके, इसी तरीके से आपको ये सारे आगे के लर्न करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, आगे देखते हैं, आगे है आपके एक वचन बहुवचन। एक वचन, एक वचन क्या होते हैं? एक वचन होते हैं जो हमारी एक चीज़ होती है उसे हम एक वचन कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होने पर यानी कि एक से अधिक होने पर, यानी अगर एक से दो भी हैं तो वो बहुवचन हो जाती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिलकर हमारी बहुवचन बनते हैं। जैसे कि रास्ता है, अगर हमारा एक रास्ता है तो हम उसे एक ही बोलेंगे, एक रास्ता, लेकिन अगर एक रास्ते से दो रास्ते निकल रहे हैं तो हम उसे रास्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रास्ते। ओके, आगे देखते हैं। रास्ता, रास्ते। पुस्तक, पुस्तके। लड़का, लड़के। डिब्बा, डिब्बे। चश्मा, चश्मे। मेला, मेले। पौधा, पौधे। तोता, तोते।
बकरा बकरे, सड़क सड़के। ओके चलिए एक बार दोबारा करवाती हूँ। अब तो आपको मैंने ओरल करवाया, अब आपको लिखना सिखा रही हूँ। रास्ता है तो हम कैसे लिखेंगे, रास्ते। ओके ये हो गया हमारा रास्ते। फिर है पुस्तक, पुस्तक का लिखेंगे हम पुस्तके। कै कै पे एक ही मात्रा पुस्तके। लड़का तो हम लिखेंगे लड़के, लड़के पे लड़के। फिर डिब्बा, डिब्बा का हम लिखेंगे डिब्बे, क्या लिखेंगे डिब्बे। चश्मा चश्मे, ए चश्मे। मेला मैं ए ले ए मेले। पौधा पै ओ धे ए पौधे। तोता तै ओ तै ए तोते। बकरा बै के रे ए बकरे। सड़क सड़ के ए सड़के। ओके तो ये सब हो जाएंगे हमारे एकवचन और बहुवचन। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने एकवचन बहुवचन और पुल्लिंग स्त्रीलिंग अपनी कॉपी में करेंगे और इसे बहुत अच्छे से सभी बच्चे लर्न करेंगे। थैंक यू।